हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज मैं आपके फ्रेंड्स नया एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन क्या होता है? एक एंटी लिप्टिक ड्रग है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे हमारी फार्मा के क्वेश्चन पेपर में आपका जो सी ऑप्शन था वो ए और बी में करा चुकी हूँ आपको, मेरे चैनल पर आपको उसकी वीडियोज मिल जाएंगी। देन हमारा जो सी ऑप्शन था, मैंने बोला था मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा लेट हो गई हूँ। देन तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फिनोबार्बिटोन, दैट इज फिनोबार्बिटोन। ये क्या है? आपकी एंटी लिप्टिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी लिप्टिक ड्रग है। तो हम क्या करते हैं, थ्योरी पेपर पे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपको थ्योरी में अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जैसे मैं आपके नोट्स बना रही हूँ एज इट इज़ आपको ऐसे ही करके आना है कम्प्लीटली। ज़्यादा फालतू की बकवास हमें पेपर में नहीं लिखनी होती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा सीटें भरोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें हमेशा टू द पॉइंट बताना होता है। तो सबसे पहले आप बता दो कि ये क्या है, एक एंटी लिप्टिक ड्रग है। दूसरा पॉइंट अगर आप बताना चाहो तो ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटी लिप्टिक ड्रग है, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीलिप्टिक ड्रग है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1912 में इसको क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर अगला पॉइंट अगर आप बताना चाहो तो ये क्या है, वाइडली यूज्ड, सारी दुनिया में यूज की जाती है ड्रग है अभी तक। 1912 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और अब तक ये वाइडली यूज है टिल नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट आप ये बता सकते हो। फिर किस लिए हम इसको यूज करते हैं? क्योंकि अभी हम क्या दे रहे हैं, इसका इंट्रो दे रहे हैं। तो इंट्रो में आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीलिप्टिक ड्रग है, फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग है, इंट्रो हमने 1912 में दिया था, इसका वाइडली यूज्ड होती है अभी तक। अब किस लिए यूज होती है, इंट्रो में आपको बताना पड़ेगा। तो दैट इज यूज फॉर सीजर, सीजर के लिए यूज होती है, भी हम यही बता देते हैं। फिर अब आपके दिमाग में भी आएगा, एग्जामिनर के दिमाग में भी आएगा कि अगर सीजर में यूज़ होती है तो ज़रूरी थोड़ी है सारे सीजर्स में यूज़ होती होगी। तो अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो आपका टॉनिक क्लोनिक सीजर जो है उसके अंदर ये यूज़ होती है, टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर ये यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टॉनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है, क्योंकि अगर हमने लिखा है तो ज़रूरी तो नहीं सबको पता होगा। टॉनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है, इसके अंदर सीजर में क्या होता है सबको पता है, क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम अपने होश और हवास खो देते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएं, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, हमारे पास टॉनिक क्लोनिक सीजर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम बात करें, अब क्योंकि हम इंट्रो की बात कर रहे हैं तो भाई किसी की तो ये बहन होगी, तो किसकी होती है, बारबिट्यूरेट्स की। बारबिट्यूरेट्स वाली जो ड्रग है बिल्कुल ये उन्हीं की तरह काम करता है। बारबिट्यूरेट्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और ये कौन सी ड्रग है, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की जो ड्रग है वही, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जामिनर ने, इसी बेस पर पूछ रखा है कि पहले आपसे सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के बारे में पूछ रखा है, फिर मैं फिनोबार्बिटोन के बारे में पूछ रखा है। लेकिन फिनोबार्बिटोन तो आपकी सेडेटिव्स की ड्रग है ही नहीं, लेकिन एंटीलिप्टिक ड्रग होते हुए भी इसका एक्शन बारबिट्यूरेट्स की तरह है और बारबिट्यूरेट्स आपकी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की ड्रग है। तो अब बात करते हैं कि इंट्रो तो हमने बता दिया, अब जब मैंने फार्मा स्टार्टिंग में ही कराई थी तो मैंने बताया था कि पहले आपको ड्रग की इंट्रो बतानी होती है, फिर हम फार्मा में क्या बताते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं। तो अब हमारी ड्रग एक्शन कैसे करती है, एक्शन तो मारती होगी ना, तो हम देखते हैं कैसे एक्शन करती है। तो सिंपल सा है, अब हमें थ्योरी में ना हमें कंफ्यूज होना है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, तो हम क्या करेंगे बता देंगे कि हमारी ड्रग दो टाइप से एक्शन करती है नॉर्मली। फर्स्ट वन इज इनहिबिट और एनहेंस करती है, इनहिबिट और एनहेंस करती है। देन सेकेंड ये क्या करती है, फैसिलेट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन देखो इससे पहले इससे बाद में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ये CNS से रिलेटेड होगी। CNS दैट इज योर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से है, तभी तो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वही तो है सबसे बड़ा ऑर्गन,
जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, तो ये क्या करेगी, सीएनएस को इफेक्ट करेगी। सीएनएस में आप लोगों ने पढ़ी रखा है, सारा ये एक्शन आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करेगी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आपके बहुत सारे होते हैं, तो उसमें फार्मा में आप ज्यादातर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज योर गाबा। गाबा वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है हम उसको इफेक्ट करते हैं, तो अब ये भी पता चल गया ब्रेन को इफेक्ट करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करेगी, गाबा को, इसके अंदर गाबा को करेगी। अब अगर सिंपल सी बात है, गाबा को करेगी तो गाबा के अंदर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पे तो इफेक्ट होंगे ना फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं आपकी कुछ ही चीज़ें होती हैं आपकी, तो सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड, ये तीन चीज़ें आपने नॉर्मली पढ़ी होंगी। अब इन तीनों को के ऊपर भी क्या क्या एक्शन करती है ये देख लेते हैं। पहले दोनों एक्शन तो करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा कि आपको ये भी तो बताना है। तो फिर देखते हैं, तो क्लोराइड की बात करते हैं पहले। तो क्लोराइड पे क्या करते हैं, जो क्लोराइड एनर्जी, क्लोराइड का जो चैनल है उसको क्या कर देती है, फैसिलेट कर देती है, क्लोराइड के चैनल को फैसिलेट कर देती है ओपन करके। तो ये तो आप यहाँ पे ही बता सकते हैं, वहाँ पे हम लिखेंगे। फिर आपके सोडियम के साथ क्या करती है, ये सोडियम को क्या कर देती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, क्या करती है, इनएक्टिवेट, ब्लॉक सोडियम चैनल, इनएक्टिवेट कर देती है, इनएक्टिवेट, ब्लॉक, इनएक्टिवेट करने के लिए आपका जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देती है, क्या बोला मैंने, इनएक्टिवेट कर देती है आपके सोडियम चैनल को, यानी कि क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, इनएक्टिवेट करेगी तो कैसे, ताकि उसकी रिकवरी को स्टॉप करते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करती है ये, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती है, ताकि उसकी जो है रिकवरी को रोक सके। सोडियम चैनल क्या करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इन सबकी इधर उधर करता रहता है। अब मैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने लगी तो आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर चले जाओगे, इसीलिए आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझ लो कि वो आपके आयंस को, दो टाइप्स के जो आपके आयंस होते हैं, आयंस और एनायंस, उनका एक्सचेंज करता है, कराता है बॉडी के अंदर, आयंस और एनायंस का एक्सचेंज कराता है। तो उन्हीं चीज़ों को क्या है, ब्लॉक कर देगी। जब आपका यही ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है एक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। देन आते हैं अब इस पर, तो फैसिलिटेट किसको कर रही है, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, ठीक है। और एनहेंस किसको करती है, एक्टिवेशन ऑफ गाबा, एक्टिवेशन ऑफ गाबा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो एक्शन हो रहे हैं आपके, एक तो क्या कर रही है, इनहिबिट एंड एनहेंस द एक्शन ऑफ गाबा, और फैसिलेट ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, इसको क्या कर रही है, फैसिलेट कर रही है। अब आपको ये समझ में, एक्टिवेशन ऑफ गाबा को समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कैसे कैसे आपका ये इफेक्ट कर दिया। अब आप इसको अगर थ्योरी में लिखना चाहो तो थ्योरी में लिख सकते हो, और अगर वैसे बताना चाहो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे पास एक बॉडी में, गाबा होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस करके ये एक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम लिखते हैं इसकी फार्माकाइनेटिक्स, क्या लिखते हैं, फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकाइनेटिक्स के अंदर आपको मैंने बताया था क्या देखते हैं हम, फार्माकाइनेटिक्स के अंदर आदमी, आदमी तो देखते हैं ना, चलो देखते हैं अपने आदमी को। हाँ फ्रेंड्स, तो फार्माकाइनेटिक्स हम किससे याद रखते हैं, आदमी, आदमी से, तो करते हैं ए फोर आपकी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑरली, ये क्या होता है, स्लो होता है बट कम्प्लीटली बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसका हाईली बाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन में होता है,
हाईली बाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन में होता है, यानी कि क्या है ये, हमारे जो ब्लड है उसमें जाकर प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाता है, CSF के अंदर भी ये चला जाता है, CSF फ्लूड के अंदर भी जाकर मिक्स हो जाता है। फिर MCI आपका आता है मेटाबोलाइज्ड कहाँ करता है, लीवर के अंदर करता है, मैक्सिमम आपके लीवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड करता है। देन आपके पास आता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इसका किसके थ्रू हो जाता है, थ्रू यूरिन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही बताना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, बस पेपर में हमें इतना ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा बकवास नहीं मारनी होती है कुछ भी। ये बता दो आप, फार्माकाइनेटिक्स, ये आपकी क्या थी, फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकाइनेटिक्स के अंदर आपको इतनी ही चीज़ें बतानी होती हैं, बस टू द पॉइंट। फिर फार्माकाइनेटिक्स बताते ही आपके पास एक और चीज़ आ जाती है, अब आपको ड्रग का क्या बताना है, या तो आप उसके यूजेस बताइए किस किस चीज़ में हम उसको यूज़ करते हो, या फिर उसके एडवर्स इफेक्ट बता दीजिए, अब आपकी मर्जी है जो आपको याद आए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो सब के अंदर यूजुअली सेम ही होती हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हो। एडवर्स इफेक्ट में भी मैक्सिमम आप डायरिया लिख दो, वोमिटिंग लिख दो। तो हम इसके देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या है, सेडेशन सबसे पहला क्या होता है, सेडेशन। क्योंकि हम सेडेटिव ड्रग की ही बात करें, सेडेटिव प्रोडक्ट्स ड्रग की ही बात करें, तो ज़्यादा बंदे को ज़्यादा स्लीपी हो सकता है वो, उसको सेडेशन कब होगा, अगर हम इसका प्रोलोंग्ड यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेडेशन हो ही सकती है, या क्या हो जाएगा, निस्टाग्मस अटैक्सिया, मैकोब्लास्टिक एनीमिया, मैकोब्लास्टिक एनीमिया। देन आपका हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सब के बारे में आपको पता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो मैं इन सबको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है नाइस्टैग्मस। नाइस्टैग्मस के अंदर क्या होता है, जो आई का मूवमेंट है, ये आपकी आई के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी आई का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, वो अप डाउन जाना शुरू कर देगा, इधर उधर जाना, लेफ्ट राइट जाना शुरू कर देगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्लर विजन हो जाएगा। अब अगर प्यूपिल है वो एक जगह रुके नहीं रहा है, तो आपका विजन तो ब्लर होना ही है, किसी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से मतलब नहीं होता है, ये मैं बार बार चलते आ रहे हैं, लेकिन आपकी इसकी सेडेशन की वजह से या फिर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये हो सकता है। देन आपके पास आता है अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या होता है फिर, अटैक्सिया के अंदर आपका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। कोऑर्डिनेशन बोले तो अच्छे से बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है आपका। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है, डैमेज ऑफ ब्रेन के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगर हम बात करें किस चीज़ पे, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब बोल सकते हैं, इम्बैलेंस इम्पेयरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारे पास आता है नेक्स्ट मैकोब्लास्टिक मैकोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया के अंदर आपको पता ही है रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनका साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और क्या होगा, साइज इंक्रीज हो सकता है, नंबर डिक्रीज हो सकता है, नंबर डिक्रीज हो सकता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और रेड ब्लड सेल्स का एक्शन ही क्या होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन लेकर आते हैं और हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बॉडी में काफ़ी कुछ हो जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है, ये आपकी ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, बोन से रिलेटेड, बोन्स के अंदर वीकनेस आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं ऑस्टियोमलेशिया के अंदर। फ्रेंड्स, ये आपके थे एडवर्स इफेक्ट। अब अगर हम बात करें यूजेस की, तो यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ किस में यूज़ होता है, ये सीजर में बता चुकी हूँ ना ये, तो मैं आपको कि किस में यूज़ करते हैं, हम सीजर में यूज़ करते हैं, और एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है, एफिशिएंट होती है ये, लो कॉस्ट होती है, तो हम इसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इतना ही आपको बताना होता है, क्योंकि
एज यू नो उसमें नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर में पूछ लिया, 8 नंबर में पूछ लिया, इतने ही नंबर में आपसे जो है थ्योरी में ये पूछी जाती है, दैट्स इनफ। आपको कंप्लीट इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बता सकते हैं, यानी कि अगर आप बनाना चाहें तो यूजेस को ऐसे बना सकते हैं, फ्लावर बना रहे हैं वैसे यूजेस को बना दीजिए, अपने पेपर को अच्छे से अच्छा बनाइए। ये नहीं है कि आप उस पेपर में लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, तो इट्स द पेपर ऑफ मेडिकल। हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि आप बस लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, उसमें हम कुछ नया ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम मेडिकल स्टूडेंट्स में क्या होता है, हम डायग्रामेटिक वे में अपने किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कोई मार्क्स नहीं कट डाउन होता है। तो ज़्यादा लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से आप रिप्रेजेंट करें। जितना लिखना है कम लिखें, लेकिन जितना लिख रहे हैं वो इफ़ेक्टिव लिखें। जैसे कि आपने यूजर्स बताए हैं, यूजर्स को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इन यूजर्स को एक्सप्लेन करें, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है। सिर्फ आप ये नेम्स भी लिख के आएंगे तो भी दैट्स इनफ कि आपको पता है इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। सेम एज यूजर्स, यूजर्स में भी आपको जितना आपको पता है आप लिख सकते हैं। फार्माकाइनेटिक्स को आपको ऑलवेज ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है कि आप आदमी लिखिए और प्रॉपर उसके दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक हो गया है। और हर किसी को एक वे हो जाता है कि ऐसे आप पेपर आपका अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट टाइम आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, 4 ईयर में से किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और मैं एग्ज़ाम पेपर्स सारे सॉल्व करा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन को पहले पेपर्स और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस मैं कंप्लीट कराऊंगी। सो एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट मैं पक्का कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।